गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान के यूट्यूब चैनल। एंड ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोग एचआरएम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आज टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर में, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। इफ वी टॉक अबाउट एचआरडी स्ट्रक्चर, उससे पहले हम क्लास में ये डिस्कस करते हैं कि एचआरडी का क्या मतलब। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम सब्जेक्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की सेमेस्टर में, इसका ही सबसेट होता है एचआरडी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई एक्चुअली में एचआरडी सिस्टम क्या है, एचआरडी स्ट्रक्चर को सेटअप करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो यूज होते हैं, यूज होने चाहिए, तो वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि आपको कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन करें। तो बेसिकली आज का क्लास हम स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। वापस स्टूडेंट्स क्लियर कर दूं, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, उसको और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं वो काम करें, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, बेसिकली वो टाइम से पूरे हो जाए एफिशिएंटली और इफेक्टिव यूज हो रिसोर्सेज का, तो उनका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी। डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब चीजें उनको टाइम टू टाइम मिलनी जरूरी होती है, जिससे कि क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टाइमली मोटिवेटेड फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल और केवल गोल और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वर्क उनको दे रहे हैं और उसी से रिलेटेड काम उनको ले रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो रिसोर्सेज है उनका अपना डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। मोटिवेशन की जरूरत सबको होती है। अगर आपका पर्सनल डेवलपमेंट कहीं पर नहीं हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा रहता है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, वो एक टाइम पे जाकर रुक जाती है या लिमिटेड हो जाती है। तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, टाइम टू टाइम हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रॉपर सिस्टम हो। इसलिए इस डिपार्टमेंट को, इस स्ट्रक्चर को एक अलग अहमियत दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, इस सिस्टम को एक अलग स्पेस है। मतलब अगर मैं बात करती हूँ मैनेजमेंट की, हायरार्की सिस्टम की, तो उसमें एक अलग स्ट्रक्चर उसका डेवलप होता है। जैसे कि ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपनी के, तो इसी तरह से एचआरडी का एक स्ट्रक्चर है जो अपने आप में एक अलग वैल्यू, अलग इम्पोर्टेंस रखता है, और कंपनी से जुड़े जो मेन फंक्शनल एरियाज हैं उसका एक पार्ट होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ एचआरडी सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर एचआरडी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट इज लोकेटेड। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो जो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट इज लोकेटेड पे डिपेंड करता है कि वॉट इज द नेचर, वॉट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है या इस डिपार्टमेंट का जो बेसिकली प्लान होता है, वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनल एरिया है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रही है, तो उससे रिलेटेड जो एचआरडी डिपार्टमेंट है वो डिपेंड करता है। वी आर गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रिशिएट द फंक्शनिंग ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपके सामने कुछ डायग्रामेटिक एग्जांपल्स रखे हैं, जिसे देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जो ये एचआरडी डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से फंक्शनली मैनेज होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन वाज ब्रीफली डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ड्यूरिंग इलस्ट्रेटिंग एन इंटीग्रेटेड एचआरडी स्ट्रक्चर एंड एचआरडी एज अ सेपरेट फंक्शनल आइडेंटिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें आपको बेसिकली ये समझने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ये इंटीग्रेटेड होकर भी चलता है और उसके साथ साथ ये इसकी एक फंक्शनल आइडेंटिटी भी है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की और फंक्शंस के साथ इंटीग्रेटेड भी होता है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक अपना स्पेस है, एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जिसमें हम स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि भाई जो एचआरडी डिपार्टमेंट है, एचआरडी को आई होप आपको क्लियर होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर चल रही है, जो लोग आपसे एसोसिएटेड है, जो कंपनी से एसोसिएटेड है वो किस तरीके से समय समय पर मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल एरिया से जुड़े हैं, इंटीग्रेटेड होकर भी काम कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट को डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है जिससे कि केवल उनके डेवलपमेंट पे फोकस करें। यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया ना एचआरडी जो डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रेजिडेंट ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ट्रेनिंग जैसे कि आपको पता है इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ऑल्दो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं आएगी, ट्रेनिंग करते करते ही डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ ट्रेनिंग, वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर आते हैं मैनेजर एग्जीक्यूटिव ऑफ एजुकेशन, मैनेजर ऑफ ओडी, मैनेजर ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टाफ सपोर्ट ट्रेनिंग। तो बेसिकली इस छोटे से स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सम केम अंडर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, सम केम अंडर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट इज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसका पार्ट है, इसलिए बताया गया कि भाई वो इंटीग्रेटेड भी है और वो डिफ्रेंशिएटेड भी है। सेकेंड एक चार्ट में देखिए आप कि यहाँ पर कंपनी में जनरल मैनेजर है, हेड ऑफ द कंपनी, उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं वो अलोकेटेड हैं, मैनेजर ऑफ फाइनेंस, मैनेजर ऑफ कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स मैनेजर एंड मैनेजर ऑफ मटीरियल्स। उनके अंदर भी कस्टमर सपोर्ट ट्रेनिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चेकिंग ट्रेनिंग है, इसके अलावा जो बाकी जगह पर है जैसे कि टेक्निकल ट्रेनिंग है, सेल्स ट्रेनिंग है, तो इस तरह से इस डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स के अंदर अलग अलग तरह की फंक्शनल एरिया की जो ट्रेनिंग हेड है उनको अलोकेट किया जाता है। तीसरे चार्ट में जो हम देख पाएंगे वो बेसिकली है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट, जिनके अंदर डायरेक्टली डायरेक्टर्स अलोकेटेड हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी में, जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, मैनेजर ऑफ सेल्स। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें डायरेक्टली डिपार्टमेंट हेड्स को अलग अलग तरीके से एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है जिसके अंदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये चार्ट्स आपको शो ऑफ करने का मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि आप आराम से इसको समझ पाए कि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, एचआरडी डिपार्टमेंट, वो किस तरह से वहां पर स्ट्रक्चर होता है। नीडलेस टू मेंशन दैट स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डिफरेंस इन साइज, नेचर ऑफ एक्टिविटी, फिलॉसफी एंड एटीट्यूड। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर यूजुअली फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल इट गोज फॉर स्ट्रक्चरिंग द एचआरडी डिपार्टमेंट। भाई ये तो हमने अभी समझ लिया कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, साइज पर, फिलॉसफी या किस टाइप की एटीट्यूड के साथ किसी फॉर्म को डेवलप किया गया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है एचआरडी का स्ट्रक्चर। मगर बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है व्हेनेवर दे स्ट्रक्चर द एचआरडी डिपार्टमेंट। किसी भी कंपनी में जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रक्चर किया जाता है तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। अब वो डिपेंड्स ऑन देयर साइज एंड नेचर एंड फिलॉसफी, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है सबसे पहले क्या आता है, डेवलपिंग एन आइडेंटिटी ऑफ एचआरडी।
विच मे और मे नॉट एनकंपासेस अदर फंक्शन. सबसे पहला कंपनी को क्या प्रिंसिपल यूज करना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआरडी की एक अपनी आइडेंटिटी हो. इट शुड हैव इट्स डिफरेंट एंड यूनिक आइडेंटिटी लाइक अदर डिपार्टमेंट्स. कंपनी में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक यूनिक आइडेंटिटी एचआरडी की भी होनी चाहिए और होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है establishing credibility for the HRD function, which is possible by entrusting the responsibility of HRD at higher level in the organization hierarchy. आपको HRD जो functional department आपने setup किया है, उसकी credibility setup करनी होगी. कैसे होगी वो? जब आप उस department को ensure करेंगे, entrust करेंगे, responsibility देंगे, like at higher level in the organization hierarchy. जितने भी डिपार्टमेंट में हायर लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एरिया होते हैं, उनकी एक अपनी क्रेडिटेबिलिटी होती है कि भाई ये महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है कंपनी का, तो उसके ऊपर आप ट्रस्टवर्दीनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको एक जगह देते हैं, तो वो इंश्योर करनी होती है. थर्ड इज बैलेंसिंग इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन. जैसा कि मैंने बताया, ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचआरडी को स्ट्रक्चर करते समय आपको डिफरेंसिएशन और इंटीग्रेशन का एक बैलेंस बनाना. डिफरेंसिएशन मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में जो बाकी सब फंक्शन चल रहे हैं तो एचआरडी भी एक फंक्शन हो गया. नो, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है, तो उसको डिफरेंशिएट करके भी रखना है. इसके साथ साथ बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इट इज रिलेटेड टू पीपल, द वर्क दे आर डूइंग, द बिहेवियर दे आर फेसिंग, तो इसमें आपको फंक्शनल एरिया में उसको जोड़ के भी रखना है लोगों के साथ. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग कर दिया. जब आपने महत्वपूर्ण एरियाज में, फंक्शनल एरियाज में इसकी अपनी जगह स्थापित होती है, तो इसको डिफरेंशिएट करके भी रखना है और इंटीग्रेट करके भी. इंटीग्रेट मतलब मिलजुल के, डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है इस डिपार्टमेंट की, तो वो हमें बैलेंस करनी चाहिए. ये प्रिंसिपल कहता है डिफरेंशिएशन कैन बी एंश्योर्ड बाय नॉट डाइल्यूटिंग द एचआरडी फंक्शंस विद ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शन, विच इज पॉसिबल बाय एंट्रस्टिंग द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स. डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? जब आप एचआरडी के फंक्शन को डाइल्यूट, मिक्स नहीं करेंगे कि अरे जो काम इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शन का है या फिर अदर फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है वो आपने एचआरडी के डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व कर लिया. नो, आपको उसको अलग रखना है. जैसे कि हमने अभी चार्ट में पढ़ के देखा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि एचआरडी फंक्शन विद मेजर कॉर्पोरेट फंक्शन, उसमें थोड़ा बहुत मिलजुल के जो कॉर्पोरेट फंक्शन होते हैं जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, इनपुट एरियाज है, तो उससे क्या होता है कि डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है वो एनरिच हो जाती है. जो मेजर एरियाज है, मेजर फंक्शन है, उनके साथ तो इंटीग्रेट करना ही होगा, बट हर तरह के फंक्शनल एरियाज में एचआरडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना होता है इंटीग्रेट करके भी और डिफरेंशिएट करके भी. अगला प्रिंसिपल कहता है structuring of HRD of an organization, it should be ensured that it has link with external and internal system. HRD department should represent various task group and of head of committee etc. जैसे भी जब भी आप जिस भी तरीके से structuring होगी HRD की, तो आपको ये ensure करना है कि वो company के internal और external दोनों ही system से linked हो. ऐसा नहीं है कि केवल company से अंदर जुड़ी चीजें ही इस department से linked होंगी. कंपनी से रिलेटेड जो बाहर की चीजें, एक्सटर्नल सिस्टम में क्या चल रहा है, हाउ द मार्केट इज, हाउ द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज, व्हाट इज द इकोनॉमिक सेइंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जब तक आप एक्सटर्नल सिस्टम की नॉलेज नहीं रखेंगे तो इंटरनली उन्हें फिट नहीं कर पाएंगे. भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑल ओवर सारे फंक्शनल एरिया विद इन द कॉरिडोर कर रहे हैं, बाहर का आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता. अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितना इंटरनल सिस्टम में आपका इंटीग्रेशन है उतना ही एक्सटर्नल सिस्टम में भी होना चाहिए. फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट शुड डेवलप सो दैट इट कैन सस्टेन अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म. स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी डिपार्टमेंट शुड बी डेवलप. फाइनल स्ट्रक्चर में यही है कि जिससे कि सस्टेन अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जिससे वो सस्टेन लेवल पर मैकेनिज्म हो पाए, मतलब लॉन्ग टर्म तक. ऐसा नहीं है कि भाई कह दिया, शुरुआत हुई तो स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उसको आगे फॉलो नहीं किया. सस्टेनेबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए. तो आई होप ये प्रिंसिपल्स जो है वो आपको क्लियर होंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं
basic principles governing the functioning of HRD system in an organization have been made clear by the Management Society of Training and Development. किसी भी human resource development system के जो principles होते हैं, अभी तो मैंने आपको जो principles बताए वो structure के हैं, कि जब मैं कोई structure स्थापित करूंगी, अब उस structure के अंदर जो system follow होगा वो हमें उसके प्रिंसिपल्स भी जानने हैं कि वो सिस्टम को हमें कैसे फॉलो करना है. बेसिक एसेंस ऑफ फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरडी सिस्टम्स आर लिस्टेड बिलो. सबसे पहला सिस्टम क्या कहता है? एचआरडी सिस्टम शुड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक एंड रीएनफोर्समेंट मैकेनिज्म. एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप रीएनफोर्स मैकेनिज्म को चला सके. अगर चीजें अच्छी हो रही है तो आपको फीडबैक मिले, अच्छी नहीं हो रही है तो एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक नेटवर्क होना चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई कमी ना आए. दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि द सिस्टम शुड बैलेंस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिसीजन. एचआरडी सिस्टम जो है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसके अंदर जो सिस्टम आप फॉलो करेंगे वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी. दोनों डिसीजन उसके, मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा डिसीजन ले रहे हैं बट उनकी क्वालिटी नहीं है. क्वालिटी डिसीजन ले रहे हैं तो एक दो बातों पर ही ले रहे हैं. क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है द सिस्टम शुड बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज. जैसे कि हमें पता है कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज बैलेंस होनी चाहिए. ये नहीं कि डिपार्टमेंट में आपने स्ट्रक्चर जो फॉर्म किया है उसमें आपको नॉलेज तो है इंटरनल की भी एक्सटर्नल की भी, मगर उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है. इट शुड एंश्योर द एक्सपर्टाइज ऑफ इंटरनल, अंदर क्या चीजें चल रही है, कैसे चीजें अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और एक्सटर्नल लेवल पर क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, तो वो आपको इंश्योर करनी है. नेक्स्ट इज द सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन फेज्ड मैनर. ये जो सिस्टम होता है एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ये फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस होना चाहिए. ये नहीं है कि आज ही या एक ही फेज में सारा काम हो जाएगा. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तब जाके आप ओवरऑल डेवलपमेंट देख सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं. तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो फेज्ड होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में डिवाइड. तो आई होप स्टूडेंट जो आज का हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आपको क्लियरली समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एचआरडी सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर के क्या फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का सिस्टम बनाया जाता है उसके क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए. तो ये सब मैंने कोशिश की है कि आप इसको समझ पाए. इस लेक्चर के जो ये नोट्स हैं इसके लिंक में अटैच रहेंगे, आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकते हैं. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाए. Thank you so much.